हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं उसका ध्यान रखना, ठीक है। आइडेंटिटी मेरी है एक्स एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस 3 वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। याद कर लेना, बिना आइडेंटिटी के यूज के ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा, टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी की यूज, टू आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी रहेगी हमारी ये वाली। बहुत ध्यान से देखना, एक्स की जगह क्या हमारा 2x है, वाई की जगह क्या हमारा 1 है। तो 2x रखेंगे यहाँ, 1 रखेंगे, रख दिया। अब यहाँ भी वैल्यू चेंज करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर क्यूब, क्यूब बेटा क्यूब, क्यूब की बात कर रहा हूँ, क्यूब यहाँ 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 यहाँ ब्रैकेट में 2x प्लस 1 सॉल्व करेंगे। ये 8 एक्स की पावर 3, ये 1 को सॉल्व करेंगे तो 6x 2x प्लस 1, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 8x³ प्लस 1, इसका जब मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे ना तो 6 मल्टीप्लाई 2x 1 मल्टीप्लाई 6x, तो ये 8 3 प्लस 1 ये हमारा 12 हो जाएगा, 12x² ये 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा हमारा ये आएगा। क्लियर? कुछ नहीं करना है आपको, बस मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन पर, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। क्या क्या इरेज करूँगा, मुझे ये वाला पार्ट इरेज कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा, ठीक है, ये वाला कर दूंगा, आपको आइडेंटिटी तो बताइए, इसको थोड़ा ऊपर लिख लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, टू है, टू में थ्री भी ब्रैकेट एक ही एक्स की जगह क्या हमारा 2a, वाई की जगह हमारा क्या है -3b। क्लियर? आगे रखेंगे एक्स की जगह क्या रखेंगे 2a, बी की जगह क्या रखेंगे हम, जब इसे रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ये पावर 3 है, एक्स जगह क्या था हमारा 2a³ -3 बी का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई -3b, एक्स एक्स जगह क्या रखा बेटा हमारा 2a -3, और प्लस माइनस माइनस कर देगा, ठीक है। अब इसके जो सॉल्व करने का आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा, तो हमारा 8 ए क्यूब 27 माइनस का देखो माइनस का 27 बी क्यूब माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और 6 3 18 ab, ये 2a -3b, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना और भी इसे ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, सारे ब्रैकेट सॉल्व होने चाहिए, कितना 36 ए स्क्वायर भी इसका मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 54 ए बी स्क्वायर,
ये टर्म है ना, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई होने से ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई ये प्लस हो गया, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पर। क्या क्या मुझे इरेज करना है, दो चीज़ इरेज करनी है, मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। देखो क्या दिया हमारा, 3/2 एक्स प्लस 3/2 एक्स, ये वन 3/2 प्लस वन का होल क्यूब, 3/2 एक्स का होल क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस 3/2 मल्टीप्लाई वन, रखेंगे 3/2 एक्स, रखना भूल गए बेटा, एक्स एक्स प्लस वन करेंगे तो 27/8 एक्स क्यूब ये वन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/2 एक्स सॉल्व बनेंगे वो बेटा, मुझे इस वैल्यू का जो है अंदर मल्टीप्लाई करना है, 27/8 ये तो आ ही जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा 27 हो जाएगा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 27 नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर तो टर्म में कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों ना वन के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं रेज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4th पहुँचता हूँ। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है, एक्स माइनस 2/3y उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, x रख देंगे पता एक्स ही का एक्स है, क्यों 2/3 माइनस का वाई का वाई एक्स मल्टीप्लाई माइनस 2/3 वाई, ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम लिख दिया करो यार, ये वाला ब्रैकेट बस वही लिख दिया करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, सॉल्व करेंगे आएगा 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा, करो बेटा हम आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है, बेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस 2/3 वाई, अब इसका मल्टीप्लाई का एक्स की पावर 3 माइनस 8/27 वाई स्क्वायर, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो देखो माइनस का क्या आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई, तो हो जाएगा ये जो एक्स है उसके साथ हमारा ऐड हो जाएगा, फिर तो इसके साथ इसका कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 4/3 और एक्स वाई स्क्वायर, ये सॉल्व होके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो सेवन है उसको बहुत ध्यान से करेंगे, उसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इस फार्मूले में यूज द आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे अभी मैं बताऊंगा, उसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, सारा इसे इरेज करके मैं उसको बता, हमारा 7 चलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1-3 1/3
आइडेंटिटी कौन सी वाली, प्लस वाई का क्यू, एक्स का क्यू, वाई का क्यू प्लस थ्री एक्स वाई, और देखेंगे एक्स प्लस, समझ में आ गई ना। अब हम एक्स की जगह हमारा क्या है हंड्रेड है, वाई की जगह क्या है माइनस का वन, तो हंड्रेड माइनस वन का क्यूब यानी कि 99 का क्यूब ये है, ठीक है। हंड्रेड का मतलब हंड्रेड का क्यूब, माइनस वन का क्यूब, ठीक, हंड्रेड माइनस वन, हंड्रेड माइनस वन, ठीक है। सॉल्व करेंगे ये देखो 60 60 हो जाएंगे बेटा, माइनस वन आ जाएगा तो सॉल्व करके तो माइनस का 300 आ जाएगा, 100 माइनस, और सॉल्व करेंगे 100 ये इतना ही रहेगा। तो अभी माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये प्लस का 300 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 300 पहले जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व होके आप आंसर यहाँ लिख लेना, ये आपका होमवर्क है। देखो ये जो है इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ बैठेगा, फिर माइनस में हो जाएगा आपस में, ठीक है। फिर चलो इसको इरेज करता हूँ, फिर हम चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, क्या क्या इसको इरेज कर दें, भी इरेज करो, इसको भी करो, इनको देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा 102 का, तो ये भी बहुत सिंपल है, तो 100 टू लिख सकते हैं पर 100 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 100 प्लस 2 का स्क्वायर आप देखेंगे 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 100 प्लस 3060 हो जाएगा, 60 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 8, ये 8 हो जाएगा, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 प्लस 2, और सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 8 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 60,000 प्लस, सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसी आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसे भी कर लेंगे, ये भी बस कुछ ही सिंपल है, क्वेरीज करेंगे, गौर से देखना बेटा, ये 9 9 8 लिखा, इसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू जो हमारा 1000 आ जाएगा, इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा माइनस 2, बहुत ध्यान से करना, 1000 माइनस 2 का क्यूब, ये कह सकते हैं 9 9 8 का क्यूब, ठीक है। प्लस माइनस 2 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई माइनस का 2 1000 माइनस 2, अब आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, या कितनी जीरो होगी, 9 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6000, हमारा 6000 के बाद 1000
आप सॉल्व कर लेना तुम्हारा ये आंसर निकल आएगा। यूज आइडेंटिटी, आपको वो काम नहीं करना जैसे आप करने बैठ गए ऐसे, जो भी आए फिर उसमें आप उस वैल्यू का मल्टीप्लाई फिर इसमें करो, ये काम करने के लिए नहीं बोला इसने। तो यूज आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर बेटा? बेटा तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें।